भिवंडी लोकसभा चुनाव 2024 के जीजा विकास पार्टी के अपक्ष उम्मीदवार सम्मान्य श्री नीलेश सांबरे का आज दिनांक 18 मई 2024 को भिवंडी लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जीजा विकास पार्टी वो वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा भिवंडी स्थित राजनोरी नाका से भिवंडी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक एक विशाल निर्धार बाइक रैली का आयोजन कर एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवंडी लोकसभा के अपक्ष उम्मीदवार नीलेश जी सांबरे के साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री प्रकाश जी अम्बेडकर तथा वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी व जीजा विकास पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तथा भिवंडी लोकसभा के मतदाता महिला और पुरुष उपस्थित थे। सभी लोगों ने सभी भिवंडी लोकसभा के मतदाताओं से विकास को लेकर अपक्ष उम्मीदवार सम्मान्य श्री नीलेश जी सांबरे को सिलाई मशीन वाली निशान पर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। हमारे सामने आ रहे हैं माननीय श्री नीलेश भगवान सांबरे जी, जोरदार तालियां। भिवंडी लोकसभा की निवडणूक हमारे आपके सामने है और 20 मई 2024 को हमें खासदार के लिए नीलेश सांबरे जी को मोहब्बत की सरजमीन कहते हैं, जिसकी सही तस्वीर पूरब के कवि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने खींची है। सारे जहां से
पूज्य नीले जी सामरे साहब आप सबके सामने यहाँ पे खड़े हैं, आप जोरदार तालियों से साहब का स्वागत करेंगे। सबकी तालियां जोरदार चाहिए, एक बुलंद नारा होना चाहिए, सामरे साहब को मारे पड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको बोलता हूँ कि जो जो चीजें आज भिवंडी की हालत इतने बुरी है, रूम्स की पूरी वाट लगाई, टोरेंटो ने पूरा भिवंडी का परिस्थिति कठिन कर दिया है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आज मेरे इतने सिस्टर क्यों आ सके यहाँ पे, क्योंकि इनको गोडाउन में काम नहीं करना है, इनको इधर ही काम मिलाना है, और उनको मालूम है उनका भाई यहाँ पे उनको रोजगार उपलब्ध कर देगा। मेरे बहने को अच्छा एजुकेशन देके, अच्छा क्वालिफाइड बने के उनको अच्छे जॉब पे लगना चाहिए। हम आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भिवंडी में जैसा सूरत में टेक्सटाइल पार्क है, वैसा भिवंडी में हम 100% लाएंगे। अपने सबके बच्चों के लिए हर गली में हर मोहल्ले में अपन फ्री कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था करेंगे, और इतना ही नहीं आपके सबके तबीयत के लिए हर मोहल्ले में अच्छा जिदाऊ का आरोग्य क्लिनिक खड़ा करेंगे। आपको मालूम है कि 15 साल से हमने जो काम किया है, वो जो काम किया है और ये काम के दाम पे हम बोल रहे हैं कि हमने 5 CBSE स्कूल खोला है, हमने एक ऐसा रुग्णालय हॉस्पिटल खोला है कि जिसमें पेट से निकले हुए पेट के बच्चे से लेके 100 साल के दादाजी तक सबको मुफ्त में इलाज होता है। और इतना ही नहीं, आज अपने भिवंडी के लोग बोलते होंगे ये बाहर का है, बाहर का इधर आ गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा पढ़ाई यहाँ पे हुआ है, और भिवंडी के कम से कम 25,000 मेरे बहन और भाई लोगों को उपचार अपने धड़पुरी के हॉस्पिटल में हुआ है। इतना ही नहीं, भिवंडी तालुका के हर गांव का बच्चा अपने धड़पुरी में पढ़ता है। देश में पहला प्रयोग हमने किया है कि ये अपना 9 कक्षा से JEE नीट का क्लासेस शुरू किया है, क्योंकि हमारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर होना चाहिए, हमारे बच्चे IIT में जाना चाहिए, यह अपना सपना है। अपने को मेरे को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गए 15 साल में 1.5 लाख मेरे शिक्षक लोगों को स्कूल के पैर पे खड़ा किया है। आज आपके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेके बोलता हूँ, मैं हर साल मेरे क्वेश्चन 1 लाख मेरे शिक्षक लोगों को खुद के पैर पे खड़ा करूँ। बेरोजगारी खत्म करने के लिए 8,000 बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई देके अच्छे तरह से उनको नौकरी दूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा दिया है नौकरी दिया है, हर साल 15,000 बच्चों को अच्छी गवर्नमेंट की जॉब मिल देना मेरा ड्यूटी है, उनको अच्छा ट्रेनिंग देगा, अच्छा क्लासेस की व्यवस्था करके वो गवर्नमेंट के जॉब पे लगेगा, ये मेरा शब्द है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भिवंडी स्मार्ट सिटी हमने बनाए, कौन से मुंह से आते हैं कपिल पटेल जी यहाँ पे वोट मांगने को, वो कभी आते दही अंडे को यार हंडी फोड़ने के लिए CM साहब को लेके DCM को लेके, और इधर अदर दिन कहा कभी उनको भिवंडी के सुख दुख का पड़ा रहता है, कभी उनको पढ़ा रहे थे, अभी वो वोट वो अभी वो पैसा भेज रहे, वैसे बोलेंगे भारत के हर नागरिक को क्योंकि कि हर आदमी ने वोट करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कपिल पाटिल अपने मुसलमान पुरारी को लोगों को पैसा देके, मुसलमान दीदी दादा ने वोट नहीं निकलने का पैसा दे रहे, कितना गलत काम कर रहे हैं अपना लोक प्रतिनिधि, जिसे 10 साल में कभी देखा नहीं यहाँ के बांधव कैसे रहते, भगिनी कैसे रहते, बच्चे कैसे जीते, बच्चों का पढ़ाई का क्या है, और लोगों के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की क्या है हाल है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ पूरे देश में इतनी बुरे हालत नहीं रहे होगी इतना भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की हालत है, क्या वहाँ पे फिजिशियन नहीं, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं, वहाँ पे गायनाइट नहीं, वहाँ पे सर्जन नहीं। मैं आपको एकदम दावे के साथ कसम लेके बोलता हूँ, 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 5 तारीख में मैं जिंदाऊ संस्था की तरफ से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा, मेरी कोई भी दीदी डिलीवरी के लिए रिजल्ट करने के लिए खाना नहीं देगी, उसका व्यवस्था इधर ही होगा, यहाँ के अप्रेंटिस अल्सर किडनी स्टोन सब ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ऐसा व्यवस्था मैं करूँगा। आज बोल दे कपिल पाटिल टोरेंटो के ऊपर का दामाद लेके टोरेंटो हमारे हम नहीं कर सकते हैं, अरे 10 साल तेरे को दिया था लोगों ने प्यार दिया था भिवंडी वाले ने, 10 साल में तेरे को टोरेंटो नहीं मालूम पड़ा क्या, कैसे हमारे जीते आपके घर में तो MSCP का लीडर लाइट आता है, भिवंडी वाले को क्या तकलीफ है,
मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 2027 पे एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट के विरोध करके मैं अच्छा जो कपिल पटेल जी बीज का बिल बढ़े वही रेट से भिवंडी में बीज मिलेगी, और जो कर्मचारी उसमें सर्विस में 10,000-11,000 उनको जो सस्ता आएगी उसमें उनको वही सीनियरिटी के हिसाब से काम दूंगा। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, हम पेट भरने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए, हमारा कोई पोता पैसे मांगने को नहीं आएगा, हमारा कोई भाई नहीं आएगा, या हम किसी के पास से पैसा नहीं मांगेंगे, या मेरे सिस्टर किसी के पास से पैसा नहीं मांगेंगे। हम गलत काम से कुछ एक रुपया भी नहीं कमाएंगे, हम करेंगे जैसा ताक मान से आप ही बोल रहा हूँ वैसे हम लोग आँख में आँख डाल के जीवन भर देंगे, ऐसा मैं आपको शब्द देता हूँ। आप लोगों कभी झूठे पैसा क्या काम है? आज बाला कपिल पाटिल जी को मोदी जी ने भिवंडी नहीं डेवलप किया, भिवंडी लोकसभा ने डेवलप किया, लेकिन कपिल पाटिल जी जो 2014 में 10 करोड़ के मालिक थे आज 10,000 करोड़ के मालिक बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी को लगा भिवंडी लोकसभा ही विकसित हो गया है ना, एक कपिल पाटिल क्या बड़ा हो गया कि भिवंडी लोकसभा व्यवस्थित होगा क्या? हम लोग कैसे जीते अभी दिखाएंगे उनको वोट देके कि आपने हमारे लिए नहीं देखा, अभी हम आपको भी हाथ नहीं देखा रहे। मैं खालबाव में गया था 15 दिन पहले, तो वहाँ के सिस्टर लोगों ने मेरे को बताया कि हम लोग ये रेती का प्रश्न है वो उनके पास लेके गए, इंग्रज का जमाने से हमारा रेती का लाइसेंस है, हमारा रेती का लाइसेंस निकाल के दो। तो हमें कपिल पाटिल जी बोलते ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये राज्य लेवल का विषय है, मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूँ। तो फिर वो दीदी बोली कि अभी आने दो उसको इधर वोट मांगने का, उसको दिखा दे फिर हम क्या 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 हमारा वोट का कीमत रहता है, ऐसा ही अभी आपको दिखाने का है। एक दूसरी बात है बाला मामा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुछ है ही नहीं, बाला मामा ने देश में सबसे ज्यादा विक्रम किया है कि पक्ष बदलने का। दूसरी बात है शरद पवार जी ने 90% राष्ट्रवादी ऑलरेडी बीजेपी को दे दिया है, खाली बीजेपी के साथ टाई अप है, क्योंकि कपिल पाटिल बॉन उनका पिल्लू है, और कपिल पाटिल जी को जिताने के लिए बाला मामा को खड़ा किया है और आपके वोट डाइवर्ट करने का वो काम कर रहा है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं वंजारपट्टे नाके पे भी बोला, आज भी बोलता हूँ, मैंने एक ही पार्टी से टिकट मांगा था नेशनल कांग्रेस पार्टी, और नेशनल कांग्रेस पार्टी से मेरा फाइनल हो रहा था, लेकिन कपिल पाटिल जी ने कुछ शक्कर निकाली, उनका आवर साहब के साथ कुछ कॉलेज में जमीन है, वो जमीन दोनों को मिला के दोनों ने रिंग बैठा, रात में 12-1 बजे अवार्ड साहब के बंगले में गए, लोगों ने फिक्स किया क्योंकि अवार्ड को भी राष्ट्रवादी भी बढ़ाने की नहीं है, उनको बीजेपी के साथ शिवसेना के साथ अपना रिलेशन बचाने का है, इसलिए अवार्ड ने आग्रह किया हमारे बाला को टिकट दे दो। बाला का है क्या, 2014 में इलेक्शन में खड़ा था, 2 दिन पहले उसने मोबाइल बंद कर दिया, 2019 में उसने टिकट ले लिया, फिर वो गायब हो गया, फिर उसने फॉर्म निकल दिया, फिर 2024 में आए, 10 साल में कौन से गांव में क्रिकेट के मैच छोड़ के बाला मामा गए वो मेरे को दिखाओ, कभी यहाँ पे बाढ़ आई बाला मामा आए क्या, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आई क्या, भाजपा आई, विदा हुई यहाँ के मेरे दीदियों को दादा के काम आई, यहाँ पे कभी कोविड के काल में बाला मामा किधर दिखा क्या, क्या कपिल पाटिल किधर दिखा किसी को, वो टाइम पे भी खाली विदा हुई अपने परिवार का भाग लिया, आज 15,000 से ऊपर मेरे दीदियों को रोजगार देने का काम अपने जीजाओं ने किया, लेकिन कपिल पाटिल जी के भाजपा और बाला मामा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 5 लोगों को दावा दिया है कि यहाँ पे रोजगार दिखा दोगे, ये 5 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, वीडियो को खड़ा करा के मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, गायत्री नगर में अपना क्लिनिक है, वो क्लिनिक में कम से कम 22,000 लोगों ने हमारे उपचार लिया है, हर गली में हर गाँव में अपना मेडिकल कैंप होता है, और वो मेडिकल कैंप से अपने भाइयों को बहनों को छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक भर्ती करने का काम करते हैं, आप नीचे जाओ अपने को हर गले में फ्री कोचिंग क्लासेस देंगे, अपने को पढ़ाई करने का है, नहीं तो इलेक्शन आता है फिर इंडिया आगा जाती है मुसलमान लोगों को प्यार करने के लिए, यही शरद पवार जी ने क्या किया है अपने भिवंडी के लिए, आपको बच्चे हो आपको मालूम नहीं होगा, जो जे हत्याकांड में जो गाड़ी गई थी वो गाड़ी में जो अपने झुरेराव जी साथ में अंदर गए थे उसका ठीक तरह से तपास करेंगे तो किसके ऊपर उंगली जाता है वो आपको पता नहीं होगा, यही किया है भिवंडी के लिए, भिवंडी के लिए अपने अंतुले जी फिर सीएम होते थे उनको लोकसभा लड़ने को भेजा किधर औरंगाबाद, उनका पूरा खटिया खड़ी कर दिया, हमारे शांताराम बहु गुलाब जी महसूल मंत्री के बाद सीएम होते थे उनको भेज दिया ठाणा लोकसभा लड़ाओ,
इधर उन्होंने उनका बारामती सुधार दिया हो और नरेंद्र मोदी जी ने उनका गुजरात सुधार दिया, उनका कपिल पटेल सुधार दिया, लेकिन अपने शरीर के कपड़े कौन अच्छे बनाएंगे, अपने घर में गैस का कौन लाएगा, अपने लोगों को रोजगार कौन उपलब्ध कर देगा, अपने बच्चों को शिक्षा कौन देगा, वो भी देखना चाहिए ना दादाओं के लिए। आज कल आज परसों बहुत ज्यादा पैसे का मार होगा, यहाँ पे बहुत दलाल बैठे रेवंडी में, उस सालों का जिस समाज में जन्म लिया उसका भी उनको कुछ पड़ा नहीं है, लोग कीचड़ में रहते हैं उनको कुछ पड़ा नहीं, वो खाली किधर से भी पैसा लेते हैं। बहुत से कारपोरेटर लेकर हमारे पास भी आए थे, हम पीछे से पार्टीमा देंगे, हम ऐसा पार्टीमा देंगे, हम वोट आपको ही देंगे, ऐसा करने का उनका ये नेहमी का टैग है। जो ये टैग को मत देने दो, आप बाहर निकलो सब दीदियों और भाइयों, और एक नंबर काम करो या दूसरे मशीन पे, एक नंबर पे 17 नंबर पे जो अपना सिलाई मशीन है नीलेश भगवान साहब ने, उस पे उंगली लगाओ और मेरे को चुन के लाओ, मैं भिवंडी का पूरा किराया पलट करूंगा, जैसा मेरे गांव का किया है वैसा आपका किराया पलट करूंगा भिवंडी का, या आपको शब्द देता हूँ। हम झूठे वादे करने वाले नहीं, झूठे कस्बे करने वाले नहीं, मैं दावे के साथ बोल देता हूँ, मैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं डालूंगा, लेकिन 15,000 युवाओं को नौकरी हर साल दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं 25 CBSE चार स्कूल आए हुए 2 ईयर में बनाऊंगा, उसमें 5 अल्पसंख्यक लोगों के लिए रहेंगे, 5 खाली गर्ल्स के लिए रहेंगे और 15 औदर सब के लिए रहेंगे, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। मैं 100 जगह पे बंद पड़ने वाले कपिल पटेल जैसे आरोग्य क्लिनिक नहीं करूंगा, अपने क्लिनिक रोज चालू रहेंगे, डेली चालू रहेंगे, ऐसे 100 आरोग्य क्लिनिक करूंगा जिसपे आप सभी को मुफ्त में इलाज होगा, सबको अच्छी तरह से अच्छा दिन देता है। मैं पूरा दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैंने तो हर जगह पे बोला है, जिस दिन मैं खासदार बन गया 4 जून 2024 को, उसके 3 महीने बाद एक जो मेरी दीदी पेट के बच्चे से लेके गुजर गई, तो पहला मर्डर का खून का गुन्हा मेरे ऊपर दाखिल करो। दूसरी बात है, दूसरा कलेक्टर म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर पे करो, हमारा ड्यूटी है कि हमारे लोगों के अच्छी तरह से आरोग्य व्यवस्था करना। आज देश को स्वतंत्र मिलकर 76 साल हो गए, आज भी हमारे हर दिन 2 दीदियां मरती पेट के बच्चे से लेकर, हर रोज लोकसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या रहती है, रहने के घर को की समस्या रहती है, बहुत सारे समस्या को आम चल रहे। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं रात में पूरा हल कर लूंगा, लेकिन आपको शब्द देता हूँ, 2-3 साल में मैं इस लोकसभा क्षेत्र का ऐसा चेहरा बनाऊंगा कि लोग भी देखते रहेंगे कि एक बंदा चुन के आया, अपक्ष चुन के आया, लेकिन जाति धर्म सबको साथ लेके एक अच्छा सिटी बनाया, लोगों के बच्चों के पढ़ाई का ध्यान दिया, लोगों के हॉस्पिटल का ध्यान दिया, लोगों के अदर व्यवस्था को ध्यान दिया, ये आप जाति लोग के बोलेंगे कि हमारे दीदियों को रोजगार दे, आपको शब्द देता हूँ। दोनों मिला के वोट कटने का बाले मामले और कपिल पटेल जी को जीत के लाने का इनका काम है। आज आपको अभी 5 मिनट प्रकाश जी अम्बेडकर साहब आ रहे, तब तक प्रकाश भागवत जी आए, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ 5 मिनट आप सभी को संबोधित करें। मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कसम लेके बोलता हूँ, मैंने जो जो बोला वो 100% सत्य बोला है, और वो जो जो बोला है वो कमिटमेंट किया वो हल पूरा करूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ। सब दीदियों को सब दादाओं को रिक्वेस्ट करता हूँ, परसों सुबह 7 बजे उठ के 7 बजे बाहर निकल के अपने दो नंबर मशीन पे, पहला नंबर 17 नंबर पे सिलाई मशीन में उसको वोट देके मेरा हाथ मजबूत करो। मैं कभी जीवन में भाजपा में नहीं जाऊंगा, मेरा कांग्रेस से ज्यादा अच्छा रिलेशन है, वही मैं फाइनल निर्णय लूंगा, ये आपको शब्द देता हूँ। नीलेश जी सांबरे साहेब यांच्या प्रचारार्थ बाळासाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आपण जोरदार टाळ्यांनी बाळासाहेबांचं स्वागत करूयात, सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। एकंदरीत परिस्थिती आपण त्या ठिकाणी पाहतोय, काल मुंबईमध्ये असणारे 2 तमाशा झाला, एक शिवाजी पार्कला झाला आणि एक डीसी ग्राउंडला, एकमेकांना शिव्या घालण्याच्या पलीकडे दुसरं काहीच मला त्या ठिकाणी सापडलं ना। पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही काय करणार त्याचा कुठलाही कार्यक्रम नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। बेरोजगारी वाढते त्याच्याबद्दल काही नाही। या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पंतप्रधानांचं कार्यालय जे मानवतेचं कार्यालय असलं पाहिजे,
हे मानवतेचं कार्यालय न राहता हे वसुलीचं कार्यालय लागले हे आपण असं लक्षात घ्या आणि या वसुलीमुळे या देशातला 2014 ते राज्यसभेमध्ये प्रश्न विचारण्याच्या तारखेपर्यंत ते मागच्या 3 महिन्यापर्यंत या ठिकाणी 17 लाख हिंदू कुटुंब की ज्यांची मालमत्ता 50 कोटीच्या वरती आहे त्यांनी नुसता देश सोडला नाही तर त्यांनी नागरिकत्व सोडलं अशी असणारी परिस्थिती आहे. मित्रो, एका बाजूला हिंदू राज्य करायला निघालेलं सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला असणारं दिसतंय या ठिकाणी ज्याला म्हणताय की हिंदूंनाच देशाच्या बाहेर घालवण्याचं राजकारण त्या ठिकाणी चाललं. त्याच्यातले काही जण माझ्या ओळखीचे होते आणि म्हणून त्यांना असं काही विचारलं की आपण ना देश सोडला हे मी समजू शकतो पण नागरिकत्व का सोडलं. त्यांनी असं म्हटलं की नागरिकत्व सोडलं याचं कारण आम्हाला भारतीय कायद्यातून बाहेर पडायचं होतं. म्हटलं तुम्हाला भारतीय कायद्यातून का बाहेर पडायचं होतं तर ते म्हटले हे सरकार वसुलीचं सरकार आहे. ईडी वापरते, CBI वापरते, GST वापरते, इन्कम टॅक्स वापरते. आम्ही कमवलेली इज्जत ही मातीमध्ये मिळण्याच्या ऐवजी आणि आपलं सगळं बर्बाद होण्याच्या अगोदर आपण नागरिकत्व सोडा आणि त्यांनी नागरिकत्व सोडलं अशी परिस्थिती आहे. मित्रो, तुम्हाला पंतप्रधान हा असणारा मानवतेचा पंतप्रधान पाहिजे की वसुली करणारा पंतप्रधान पाहिजे हे तुम्हाला आता ठरवण्याची वेळ आली आहे असं मी आव्हान या ठिकाणी असणाऱ्यात वाटतं. दुसऱ्या बाजूस इथे सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे आणि मुस्लिम महिला मला अधिक दिसतात आहे त्याच्यामुळे असणारं मी या ठिकाणी आपल्याला आव्हान करतोय की शरद पवार असेल किंवा उद्धव ठाकरे असतील हे दोघंही इलेक्शन नंतर भारतीय जनता पक्षाबरोबर गेल्याशिवाय राहणार नाही हे आपण लोकांच्या चौकशात आलेले आहे आणि दोघांच्या चौकशा चालल्या असल्यामुळे यांना पर्याय राहिलेला नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि मग उद्या NRC असेल, CAA असेल, हिजाब असेल किंवा औरंगजेबचा मुद्दा असेल, NCPचा निवडून दिलेला खासदार त्या सभागृहामध्ये बोलणार आहे का? तर अजिबात नाही. मैं जो कहना चाहता हूँ कि NCC, NCP और उद्धव ठाकरे दोनों जो है ये इलेक्शन के बाद BJP के साथ जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है. इनकी इंक्वायरी चली है और ये इंक्वायरी से बचने के लिए ये BJP के पास जाएंगे ऐसी एक परिस्थिति है. फिर रहा मुसलमानों का सवाल, ये हिजाब का सवाल हो, NRC का सवाल हो या औरंगजेब का सवाल हो या यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर के बारे में का बिल हो, मैं ये समझता हूँ कि NCP का जो खासदार है जो खड़े हैं वो अगर चुन के जाए तो किसको वोट देंगे, आपके साथ रहेंगे या BJP के साथ में रहेंगे? ये सवाल सीधा है कि पिछले बार जब NRC का कायदा आया तो NCP जो है वो सदन से वॉकआउट कर गई और एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसी एक परिस्थिति है. मैं ये मान के चलता हूँ कि सामने इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, किसी पार्टी पर उनकी कोई शिकायत नहीं हो सकती, ना किसी पार्टी का उन पर राज चल सकता है. वो अपने ही दिल के मालिक है, अपने ही विचार के मालिक है और इसलिए जब इस मंच से वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, उनके इश्यूओं के साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनके लफ्ज़ों पर हम लोग ने विश्वास रखना चाहिए और वो हम लोग के साथ यहाँ पे लड़ेंगे और साथ रहेंगे. मैं ये बात ज़रूर कहूँगा और मुस्लिम समुदाय से कहूँगा कि यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनका नाम क्या है,
उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारामन। उनके पति है जिनका नाम है परखला प्रभाकरन, उनका नाम है। एक 16-17 दिन पहले उन्होंने जो है एक YouTube पर मुलाकात दी अपनी किताब के विमोचन के वक्त, उन्होंने एक YouTube पर मुलाकात दी, कलकत्ता से मुलाकात दी, और उस कलकत्ता के मुलाकात में YouTube के मुलाकात में उन्होंने खास करके मुस्लिम समुदाय को आगाह करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी अगर दोबारा बनता है, प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है तो यहाँ लोकशाही खतरे में आ जाएगी और ये हुकुमशाह बनने की कोशिश करेगा, और जिस दिन ये हुकुमशाह बनने की कोशिश करेगा तो वो समाज को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। और समाज को अगर अस्थिर करने का रास्ता क्या होगा? जो गोधरा में हुआ वही दोबारा होगा, जो मणिपुर में हुआ वही दोबारा हुआ। इसका इशारा यहाँ निर्मला सीतारमन, इनके जो पति है परखला प्रभाकरन, यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों से, 5 बजने का वक्त आ गया है, मैं मुस्लिम समुदाय से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सामने के साथ रहिए। उनकी निशानी सिलाई मशीन के सामने का बटन दबाकर आप उनको भारी वोटों से जिताइए। यही गुजारिश करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। दोन मिनट नहीं करायचे नाही, आप सबसे विनंती है, सभा खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट कहिए, 1 मिनट सुजय मी करतो ना जागा या आना ना आना। जनता ने तो अभी तय कर लिया है, आप तो देखते आए हैं क्या ग्रामीण से जो लहर आई थी वो भेवंडी में लहर पहुंच चुकी है, और भेवंडी में आप देखते हैं कितनी मुस्लिम महिला, ज़्यादातर तुमको मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादातर आपको तौर पे दिखे गए। क्यों गए? क्योंकि जो सांबरे साहब जो है ये इन्होंने अपने जिजाऊ संस्था से इसके पहले भेवंडी के अंदर बहुत गरीब लोगों को, हर सामान्य आदमी को मदद की है, और उनका काम बता रहा है। ये जो आज पब्लिक है, एक अच्छा नेता ऐसा भेवंडी के लिए लोकसभा में कभी मिल नहीं सकता है, और ये इसको हर समाज का और हर लोगों का इनको साथ है, और इनको बहुमतों से चुन के तो आ रहे, इनको ज़्यादा वोटों से चुन कर लाना है। पिछले बार वंचित आघाड़ी का भी एक कैंडिडेट खड़ा था, उनके वोटिंग गिरी थी। मैं तो बोल रहा हूँ वंचित के सब लोग और दलित समाज भी जागरूक है, अब आने वाले इलेक्शन में उनको मालूम है अच्छा नेता है, और ये अच्छा साबित होगा। क्योंकि आप लोग कल आपने देखे थे, जनता ने कल देखे थे उधर, कि वहाँ पे केजरीवाल जैसे को लाए थे, तो जनता बोलता है कि केजरीवाल वो जाने दो, हमारा केजरीवाल नीले सामने इधर का, हम इनको चुन के लाने वाले, उससे ज़्यादा विकास करने वाला आदमी जो है केजरीवाल, तो सीएम बनने के बाद विकास किया था, इनका तो पहले से विकास है ये भिवंडी के अंदर। और बाबा साहब ने बताए कि देखो ये शिवसेना, ये राष्ट्रवादी, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये कल बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यही तमाम मुस्लिम समाज के मेरे से आह्वान है, सभी जनता से और कांग्रेस वासियों से भी मेरा आह्वान है कि अपने वोट NCP को ना दीजिए, अपने वोट यही अच्छा उम्मीदवार है नीलेश सांबरे जी। उन्होंने बताया मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा, मेरा विचारधारा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तमाम कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भेवंडी से और ग्रामीण से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपने वोट नीलेश सांबरे जी को हाथ का पंजा समझ के सिलाई मशीन को वोट दीजिए। के प्रचार का आखिरी दिन था, और इस सुनहरे मौके पर आज पहली बार जिजाऊ संगठन को सपोर्ट कर रहे ऐसे हमारे
वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश जी अम्बेडकर यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने लाखों की तादाद में जमा हुए भिवंडी शहर के ग्रामीण भाग से आए हुए सभी भाइयों और बहनों को संबोधित करते हुए नीलेश सांबरे जी को उन्होंने वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की है। जैसे कि आपको बता दूं, भिवंडी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक ऐसी ऐतिहासिक सभा इससे पहले फॉर्म भरने के दरमियान भी की गई थी, जहाँ पर लाखों की तादाद में पूरे ग्रामीण और शहर से लोग आए हुए थे। और आज भी यहाँ पर पूरे शहर से लोग भिवंडी शहर के प्रकाश जी अम्बेडकर जी को देखने, नीलेश सांबरे सर को सुनने यहाँ पर मौजूद थे। और इस बात की दलील है कि यहाँ पर लाखों का जो हुजूम था, उससे इस बात की पूरी पुष्टि की जा सकती है कि आने वाले 4 जून को भारी मतों से नीलेश सांबरे सर पूरे देश भर में एक नमूना पेश कर देंगे जीत करके। जो महिला, जो पुरुष, जो नौजवानों का क्रेज नीलेश सांबरे को काम को लेकर है, वो शायद ही और किसी उम्मीदवार को भिवंडी में देखने को मिलेगा। 20 तारीख को चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होने वाला है और हमारी निशानी सिलाई मशीन 17 नंबर पे रहेगी। 17 नंबर पे बहुजन आघाड़ी, MIM के खालिद गुड्डू गट ने भी समर्थन दिया है, प्रहार के लोगों का भी हमको समर्थन मिला है, ऐसे न जाने अनगिनत काफ़ी लोगों का समर्थन मिला है। और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा और आपके दर्शकों को कि आप जीतने वाले उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दर्ज करने में मदद करें। मुरबाड़, शाहपुर, भिवंडी ग्रामीण और कल्याण पश्चिम से सांबरे सर बड़ी तादाद में लीड से जीत रहे हैं। थैंक यू।